ये आप सबकी याददाश्त को रिन्यू करने के लिए जो ऑडियो लीक इमरान खान साहब की, जो सिर्फ कुछ चंद दिन पहले इस मुल्क का वजीर आजम था, उस वजीर आजम की कुर्सी पर बैठकर ये कारोबार कर रहा था कि साइफर के साथ खेलना है, मुल्क की खारजा पॉलिसी के साथ खेलना है क्योंकि मेरा इक्तदार ख़त्म हो गया, बंदे खरीदने हैं क्योंकि मैंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, मेरा कामयाब हो रहा है मेरे खिलाफ। ये उस वक्त वजीर आजम था, ये वजीर आजम की कुर्सी से हटने के बाद की ऑडियो नहीं है। उसके बाद इसी शख्स के वजीर खजाना ने, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के वजीर खजाना ने कहा कि आईएमएफ को खत लिखो कि आईएमएफ का प्रोग्राम सस्पेंड हो। ये मुल्क का, ये उस वक्त वजीर आला के खैबर पख्तूनख्वा फाइनेंस मिनिस्टर, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब का फाइनेंस मिनिस्टर, उस शख्स को इसने कहा मुल्क तबाह हो, मुल्क में आग लगे, मुल्क में अनारकी हो, मुल्क में अफरा तफरी हो, मुल्क में खून बहे, मुल्क में लाशें गिरें। ये शख्स अपनी सियासत की खातिर वो आईएमएफ का प्रोग्राम जिसको दस्तखत करके गया है, 4 साल इस मुल्क को लूटा, 4 साल इस मुल्क पर मुसल्लत रहे, 4 साल पाकिस्तान की आवाम को आज महंगाई का सवाल पूछते हैं, 4 साल इस मुल्क को लूटने के बाद आईएमएफ के हवाले करके चला गया। वो आईएमएफ का प्रोग्राम जिस पे खुद दस्तखत किए थे मार्च 2022 को सस्पेंड करके चला गया, मुल्क को दिवालिया करके चला गया। और ये वजीर आजम की कुर्सी पर बैठकर ये खतरनाक खेल खेलता रहा, मुल्क की मईशत के साथ खेलता रहा, मुल्क की खारजा पॉलिसी के साथ खेलता रहा, लोगों को खरीदता रहा, सियासी मंडियां लगाता रहा। और जब वो फेल हो गया तो उसके बाद लाशों का मुंतजर कि कब कौन सी लाश गिरेगी और मैं उसके ऊपर सियासत करूंगा। तुम मुझे ये बताएं, आप मरियम नवाज की कल ऑडियो चलाई, मरियम नवाज की ऑडियो चलाई और उसको अपने साथ कंपेयर कर रहा था। मरियम नवाज की ऑडियो आपने लगाई है, दूसरी वाली ऑडियो प्ले कर दें। ये कल मरियम नवाज शरीफ साहिबा की ऑडियो चला रहा था। जब रिपीट हो रही है बस कर दूँ। ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा की ऑडियो है। क्या है इस ऑडियो में? किसी को कत्ल करने का हुक्म है? इस ऑडियो में साइफर से खेलने का हुक्म है? इस ऑडियो में पाकिस्तान की मईशत को दाव पे लगाने का हुक्म है? इस ऑडियो में इस साइफर से खेलना है, साजिश करनी है, मुल्क के खिलाफ साजिश, मुल्क में आग लगाने, मुल्क में खून बहाने का हुक्म है? इस जब तुम्हें यह पता चल गया कि तुम्हारा तमाम तमाशा, तुम बहरूपीय शख्स हो, तुम एक फ्रॉड हो, तुम झूठे शख्स हो, जब तुम्हें यह पता चल गया तुम्हारा साइफर का तमाशा ख़त्म हो गया और अब अदालतों में जवाब देने अपने जराइम के, तो तुमने लॉन्ग मार्च की कॉल कर दी, वहाँ तुमने लोगों को गोलियाँ मरवाईं और अपनी अपने गोली का बहाना बनाकर टांग पे पलस्तर बांधकर जमानत पार्क में तुम वहाँ बंकर में बैठ गए और लोगों को तुमने सड़कों पे मरने के लिए छोड़ दिया। वहाँ लॉन्ग मार्च का कॉल देकर अपने आप को गोली मरवा कर जमानत पार्क में बैठा रहा, उसके बाद जेल बचो तहरीक का तमाशा लगा दिया, लोगों को सड़कों के ऊपर मरने के लिए छोड़ दिया। जो जेल भरो तहरीक और बचाओ का तमाशा लगा उसका जो हाल हुआ वो भी आप लोगों ने देखा। जब पता चल गया वो फेल हो गया तो फिर उन्होंने उस शख्स को पोजिशन किया, वो मेंटली चैलेंज शख्स, उस शख्स को इन्होंने देखा, जानबूझकर उसको पोजीशन किया। और उसके बाद मैं आती हूँ, ये मरियम नवाज की ऑडियो में जिसको तुमने रात को बैठकर तमाशा लगाने की कोशिश की, तुम्हारा ये मतलब है कि लोग तुम्हारी इस बातों से बेवकूफ़ बन जाएंगे? मरियम नवाज शरीफ को ये नहीं पता था कि उसकी ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है, उसने फिर भी क्या कहा? उसने कहा कि इमरान खान कातिल है, उसने कहा यह हादसा हुआ है और इस हादसे की वजह से हमें यह कहना चाहिए कि पीटीआई के जो लोग हैं वो लाश को छोड़कर चले गए, तो क्या गलत कहा? क्या उसने तुम्हारे ऊपर कत्ल का इल्जाम लगाया? वो चाहती थी तो लगा सकती थी, क्योंकि
کیونکہ سارے شواہد اس طرف جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ حادثہ ہے, اور یہ حادثہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اس لاش کو چھوڑ کر, پی ٹی آئی ورکر کی چھوڑ کر چلے گئے, یہ کہہ رہی ہیں. وہ اس دکھ اور افسوس کا اظہار کر رہی ہیں, اور اس کے بعد جو تقریر کی اس میں بھی یہ نہیں کہا کہ تم قاتل ہو, کیونکہ یہ مقصد نہیں تھا, کیونکہ ملک میں آگ لگانا مقصد نہیں تھا, کیونکہ ملک کے اندر افراتفری پھیلانا مقصد نہیں تھا. لیکن تم جانتے ہو کہ تمہیں توشہ خانہ میں, تمہیں ملک کے خلاف فورن فنڈنگ منی لانڈرنگ میں, تمہیں 190 ملین میں, تمہیں گھڑی چوری میں, تمہیں اپنی بیٹی کو قبول نہ کرنے میں جواب دینا پڑے گا. اور کیونکہ تمہارے پاس جواب نہیں ہے, کیونکہ تم گھڑی چور بھی ہو, تم ٹیرین کے والد بھی ہو, تم 190 ملین پاؤنڈ کے ڈکیت بھی ہو, اور تم نے خانہ کعبہ کی گھڑی چوری کر کے, تمہاری بیوی نے ہیرے جواہرات چوری کر کے, 5-5 کیرٹ کی انگوٹھیاں اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے ڈاکے ڈالے ہیں, تم اب کس بات پہ اتر آئے ہو؟ آج تم نے ریلی کی, تحریک کے لیے تیار ہوتا ہے, اسی دن عدالت کی پیشی ہوتی ہے, اسی دن عدالت کی پیشی ہوتی ہے, کہتا ہے میں معذور ہوں, کہتا ہے میں 70 سال کا بزرگ ہوں, اور وہ بیماری کا نام لیتا ہے, میں بول بھی نہیں سکتی, میں یہاں کہہ بھی نہیں سکتی. یہ وہ شخص ہے کہ لوگوں کی کمر کی بیماریوں کا مذاق اڑاتا تھا, لوگوں کی مرتی ہوئی بیویاں جو ڈیتھ بیڈ پہ تھیں اس کا مذاق اڑاتا تھا, کہتا تھا امریکہ جا کے میں نواز شریف کا اے سی بند کر دوں گا, کہتا تھا شہباز شریف کو نماز کے لیے کرسی نہ دو, مریم نواز کو اس سیل میں بند کرو جہاں باتھ روم بھی کمرے کے اندر ہو, جس طرف رخ کر کر وہ نماز پڑھتی تھی, ان کو ڈیتھ سیل میں بند کرو. روز ڈائری لیتا تھا کہ خواجہ آصف کو آج ٹھنڈ میں کمبل ملا کہ نہیں ملا, اور وہ سیل بنایا ہوا تھا پرائم منسٹر ہاؤس میں, جس میں یہ صرف یہ پتا کرتا تھا اور خوش ہوتا تھا. یہ ذہنی مریض ہے, یہ بیمار شخص ہے, یہ ایک سازشی ذہن کا شخص ہے, جو اب لاشوں پاکستان میں گودوں کو, ماؤں کی گودوں کو اجاڑ کر لاشوں کا منتظر ہوتا ہے اور لاشوں کے اوپر سیاست کرتا ہے. سوالات عمران خان صاحب آپ سے ہیں کہ آپ کا وائس پریزیڈنٹ, پاکستان تحریک انصاف کا عہدے دار, اس کی گاڑی استعمال ہوئی, اس شخص کی لاش کو اٹھا کر ہسپتال لے گئی, وہ فورٹرس میں کیا کر رہی تھی اس وقت؟ جب آپ کو وہاں لاش ملی تو اس ڈرائیور نے کیوں نہیں پولیس کو بتایا؟ وہ تھانے لے کر ایف آئی آر کیوں نہیں کٹوائی گئی؟ وہ جب ہاسپٹل جا کے چھوڑ آئے اس لاش کو, تو پھر وہ ڈرائیور نے اپنا حلیہ بدل کر زمان پاک میں کیوں پناہ لی؟ اور جو آپ کا راجہ شکیل ہے, وہ کیوں ضمانت پارک میں چھپا ہوا تھا اس پورے واقعے کے بعد؟ 2 دن یاسمین راشد کو اس قتل کا, اس حادثے کا پتہ چل چکا تھا, انہوں نے کیوں نہیں پولیس کو بتایا؟ اور آپ نے, عمران خان نے, ابھی وہ ہاسپٹل پہنچی تھی, ابھی اس کا پوسٹ مارٹم ڈیڈ باڈی کا ہوا نہیں تھا, تو آپ نے ٹویٹ کر دی, آپ نے وہ تمام وجوہات بتا دیں, آپ نے ان تمام سرکمسٹانسز بتا دیے, آپ نے اس کی ویڈیو ریلیز کر دی, آپ نے اس کی آئی ڈی کارڈ کر کے اس پہ ٹویٹ کر دی, کیونکہ تم اس کے انتظار میں تھے, اس لاش کی انتظار میں تھے, تم اس لاش کے منتظر تھے, جس طرح تمہیں تمام نام میں نے لیے جن کی لاشیں گریں, اللہ معافی دے, تم اس کے انتظار میں تھے. کیوں نہیں وہ کالا ڈالا جو ڈالا تھا فورٹرس میں تھا, جس کو 31 کیمروں نے اس کی پوری موومنٹ کو مانیٹر کیا اور وہ اس کو پکڑا ہے. تم کہتے ہو کہ قاتل تم نہیں, تم دوسروں پر قتل کا الزام لگاتے ہو, تم اتنے بے شرم انسان ہو. اپنے سوالوں کا جواب, اور جب تمہیں پتہ ہے کہ تم پھنس گئے ہو اس بات میں بھی, تم پھنس گئے ہو, تم ذل شاہ کی موت میں بھی پھنس گئے ہو, تمہیں پتہ چلا تو تم نے آج 2 بجے تحریک نکالنے کی کال دے دی, پھر دوبارہ لاشوں کے ڈھیر کرنے کے لیے تم نے کال دے دی, اور تمہیں پتہ تھا کہ لاہور کے اندر 144 دفعہ لگی ہوئی ہے, تم نے پھر بھی لوگوں کو اکسایا. اور اس کے بعد یہ بتاؤ کہ جب یاسمین راشد کو 2 دن سے اس واقعے کا پتہ تھا, جس نے اطلاع تمہیں دی تھی, تو انہوں نے کیوں نہیں بتایا جب تمہارے ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس کر رہی تھی؟ تو انہوں نے کیوں نہیں بتایا کہ ان کے ڈالے میں, وہ جو راجہ شکیل ہے اس کے ڈالے میں, اس کی گاڑی میں وہ ڈرائیور نے, اور کیا ہوا جس جگہ سے فورٹرس سے لاش اٹھا کر ہاسپٹل تک لے کے گئے, اس وقت اس لاش کے ساتھ کیا ہوا, پھر اس لاش کو پھینک کر کیوں بھاگ گئے؟
ये सवालों के जवाब आपको देने पड़ेंगे। और क्यों राजा शकील जो थे उसको आपने पनाह दी जमानत पार्क में, क्यों उस ड्राइवर का हुलिया बदल कर उसको फरार कराया, और फिर क्यों पैसे देते रहे जिले शाह के वालिद को कि तुम इसको कत्ल करार दिलवा दो। तुम इतने बेशरम शख्स हो कि उस वालिद ने अभी अपने बच्चे को दफन नहीं किया था, तुमने उसको जमानत पार्क में बुलाया, तुमने वहां बुलाया उसको, और तुम वहां उसको पैसों की ऑफर करते रहे कि ये कत्ल नहीं है, ये हादसा नहीं, इसको कत्ल करार दो। उसने कहा ये कत्ल नहीं है, ये हादसा हुआ है। और उसके बाद, और ये भी पता था कि जिस गाड़ी में फोर्ट्रेस से लाश को उठाकर हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है वो जिल्ले शाह की गाड़ी है, वो जिल्ले शाह का ड्राइवर है जो आपका वाइस प्रेसिडेंट है। क्यों नहीं बताया पुलिस को, क्यों नहीं एम्बुलेंस बुलाई गई जिस वक्त एक डेड बॉडी आप देखते हैं, मैं देखती हूँ, सड़क के ऊपर पड़ी हुई है, तो क्यों नहीं पुलिस को बुलाया, क्यों नहीं आपने पुलिस को बुलाकर ये बताया कि ये गाड़ी किसकी है। और उसके बाद जी राजा शकील की मैंने बताया, नहीं मैंने कहा जिले शाह की डेड बॉडी राजा शकील के डाले में ट्रांसफर होती है, इनको पता था कि वो राजा शकील की गाड़ी है, इनको पता था वो राजा शकील का ड्राइवर है जिसमें फोर्ट्रेस से डेड बॉडी उठाकर, अनअटेंडेड डेड बॉडी थी ना, आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया, आपने वहां एम्बुलेंस क्यों नहीं बुलाई, आपने क्यों नहीं, चलो आप कहते हैं हमदर्दी के उस पे कि आप एक डेड बॉडी पड़ी है, जिंदा था, डेथ हो गई थी, आप उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, लेकिन पहला काम आप उसको ले जाते वक्त भी पुलिस को कॉल करेंगे, आप उस पर बताएंगे कि मेरा ये वाकया मेरे साथ हुआ है, मैंने यहाँ से डेड बॉडी उठाई है किसी की, उसको मैं अस्पताल लेकर जा रहा हूँ, इस वक्त मैंने उठाकर लेकर गया हूँ, ये मेरा गाड़ी नंबर है, ये मेरा ड्राइवर है, क्यों नहीं किया। फिर दो दिन उस वाक्य को छुपाया। यास्मीन राशिद साहिबा को मालूम था। उसके बाद फिर जब आपको पता था कि अल्लाह माफ़ करे कि आपकी वो गाड़ी राजा शकील की गाड़ी में वो बॉडी उठाकर हॉस्पिटल लेकर गए, उनका ड्राइवर छुपा दिया गया, वो ये वाकया हो गया, उस वाकये के ऊपर डेथ हो गई जिस पे तुमने ट्वीट कर दी, जिस पे तुम दूसरों पे कत्ल का इल्ज़ाम लगा रहे हो, तुम इतने बेशरम शख्स हो, तुमने पुलिस को नहीं बताया कि जो राजा शकील है वो जमानत पार्क में, आपने नहीं बताया कि आपने उसको छुपाया हुआ, और क्यों छुपाया हुआ था, क्यों तुम पैसे देते रहे जिले शाह के वालिद को कि इसको तुम कत्ल करार दे दो कि मेरे बेटे को कत्ल किया। और कल जब आपकी यास्मीन राशिद साहिबा से सवाल हुआ टॉक शो में तो वो उठकर चली गई कि आप मुझे इनक्रिमिनेट कर रहे हैं, सवाल आपसे कर रहे हैं जी, आपको मालूम था, पुलिस को क्यों नहीं बताया, आपकी गाड़ी इस्तेमाल हुई आपके अहदेदार की, पुलिस को क्यों नहीं बताया, एक बॉडी को उठाकर फोर्ट्रेस से हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, पुलिस को क्यों नहीं बताया, उस ड्राइवर को छुपा दिया, उस ड्राइवर को रूपोश करा दिया, उसका हुलिया बदलवा दिया, उसकी शेव करा दी, पुलिस को क्यों नहीं बताया। मुद्दा बहुत सीरियस सिंपल है, ये सारा कुछ पंजाब पुलिस ने ट्रेस किया उन कैमरों के जरिए, और फिर उसके बाद वो शवाहिद पेश किए, और कल उनको आकर ये एक ऐसा माशरा बना दिया इस शख्स ने कि बताना पड़ता है आकर वो केसेस जो जिनकी वजह से घरों में मातम होता है, जिनकी वजह से लोगों माओं की गोदें उजड़ती हैं, उन पे ये शख्स ट्वीट करता है। और जब ये सारा वकुआ हो रहा था, जब उसकी डेड बॉडी हॉस्पिटल में पड़ी हुई थी, तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की पूरी लाहौर की क्यादत किधर गायब थी। जिस वक्त ये, अगर आपको पता चल गया था, अगर आप बड़े दुखी थे कि आपके कारकुन का कत्ल हो गया, तो आप जमानत पार्क में प्लस्तर वाली टांग पर रख कर क्या कर रहे थे, मंसूबा बना रहे थे, एक साजिश खड़ रहे थे, उस लाश के मुंतजर थे। ये सफात गिदों की होती हैं, ये वल्चर्स की होती हैं कि वो इंतज़ार करते हैं लाशों का अपनी खुराक के लिए। तुमने अपनी लाशों को अपना सियासी खुराक बना लिया, तुमने ईंधन बना लिया पाकिस्तान में आग लगाने के लिए, पाकिस्तान में अनार्की फैलाने के लिए, पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाने के लिए। तुम इतने बेशरम शख्स हो, और जब तुम्हारा वो भांडा भी फूट जाता है तो तुम फिर दोबारा तहरीक की कॉल दे देते हो, जब तुम उसमें भी पकड़े जाते हो
जिस तरह तुम बाकी जराइम में पकड़े गए हो। तुमसे अदालत सवाल पूछ रही है तोशाखाना का, तुमसे अदालत सवाल पूछ रही है 190 मिलियन का, तुमसे अदालत सवाल पूछ रही है खैरात के पैसों को सियासत में और मुल्क के खिलाफ साजिश करने का, तुमसे सवाल पूछ रही है कि तुम टेरियन के वालिद हो या नहीं। तुम जवाब दो। इसी मुल्क का 3 दफ़ा का मुंतखब वज़ीर आज़म हर रोज़ की बुनियाद पर नैब के आगे, कानून के आगे पेश होता था, जिसको ब्लैक लॉ डिक्शनरी का सहारा लेकर 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म को डिस्क्वालीफाई किया, जिसकी वजह से आज अदलिया के ऊपर सवालात उठ रहे हैं। उसका कोई हर आदमी वो भांडा फोड़ रहा है, ये कोई नहीं कह रहा कि ये काम हमने नहीं किया। उनको पता था ये झूठे मुकदमे हैं, लेकिन कानून के आगे एक प्रेसिडेंट कायम करने के लिए पेश होता था, अपनी बेटी को पेश करता था, अपनी बेटी को अपने सामने, अपनी बेटी को हथकड़ियां लगवाई थी। शहबाज शरीफ 2 दफा चीफ मिनिस्टर पंजाब, ऑपोजिशन लीडर, तुमने 2 दफा गिरफ्तार कराया, तुम्हारे पास एक धेले का सबूत नहीं था। तुम इतने बेशरम शख्स थे, तुमने सियासी इंतकाम का बनाने के लिए नैब न्याजी गठजोड़ का और कहा शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करो। एक दफा गिरफ्तार किया, उस गिरफ्तारी में फिर केसेस डाले, फिर गिरफ्तार किया गिरफ्तार होते हुए, और तुम्हें कोई सबूत नहीं मिला। मुस्लिम लीग नून की पूरी क्यादत को गिरफ्तार किया, अल्लाह ताला का शुक्र है आज अदालतों से मेरिट पर बेल लेकर सुरखरू हो रहे हैं। हमने मुल्क में आग लगाने की बात की, नवाज शरीफ ने मुल्क को 3 टुकड़ों में तकसीम करने की बात की, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून ने लाशों के ऊपर सियासत की। बीमार बच्ची को छोड़कर हमजा शहबाज 2 साल जेल में रहा, आग लगाने की बात की। किस किस का नाम लूं? साद रफीक, सलमान रफीक, राणा सनावला में तुमने हीरोइन का पर्चा डाल दिया, जो जो बैग हीरोइन का उस पर डाला वो जाकर थाने में निकला, वो भी CCTV में। इस शहर में शहबाज शरीफ का सेफ सिटी प्रोजेक्ट, इमरान खान, इस शहर के किसी जुर्म से तुम बच नहीं सकते। अल्लाह ताला का बड़ा करम है, ये साजिशी शख्स मुल्क को खा जाएगा, मुल्क के माशरे को इसने तबाह कर दिया है, नौजवान नस्ल की के दिमागों को इसने ख़राब कर दिया है, लेकिन इंशाल्लाह इसी तरह बेनकाब होता रहेगा, क्योंकि जुर्म और कत्ल छुप नहीं सकता, कभी नहीं छुप सकता, तुम जितना मर्जी छुपाओ। ये तो 2 दिन में सामने आ गया है कि जो जिसके ऊपर इस कत्ल का शायबा है वो जमानत पार्क में था, और फिर पता ये चलाना चाहता। जब भी किसी कत्ल का मुद्दा इन्वेस्टिगेट होता है तो सबसे पहला सवाल क्या होता है कि इस कत्ल से सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको पहुंचा है। इस कत्ल से जो इमरान खान का इस वक्त बॉडी लैंग्वेज है, अगर मेरा कारकुन, हमारा कारकुन जो सर का ताज हैं, अगर वो खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, किसी के घर पे किसी की माँ की गोद उजड़े, तो उसके घर इस वक्त बैठा होना चाहिए था। लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा तुमने उस पर प्रेस टॉक्स की, तुमने उस पर ट्वीट्स की, उसके कत्ल को छुपाया। तुम्हें मालूम था 2 दिन से कत्ल हो चुका है, ये हादसा हो चुका है, और तुम मरियम नवाज़ की ऑडियो चलाते हो, बेशरम आदमी। कौन सी ऑडियो ऐसी तुम्हारे, ये ऑडियो भी उनको नहीं पता था कि रिकॉर्ड हो रही है, उस ऑडियो में वो कह रही हैं हादसा हुआ है, तुम्हें इतनी शर्म नहीं आती? तो ये सवालों के जवाब आपको देने पड़ेंगे। इसकी भी इन्वेस्टिगेशन और FIR शुरू हो चुकी है, और फिर कहते हैं इमरान खान से पे FIR क्यों कटाई है, क्यों इमरान खान साहब क्या है कि उन पर FIR नहीं, पहले जो 5 FIRें कटी हुई हैं, जो जराइम किए हुए हैं, क्यों ना कटाई? जिस अगर कोई शायबा किसी, मेरे पे शायबा होगा तो मेरे पे भी FIR कटेगी, पाकिस्तान के किसी भी शहरी पे अगर किसी भी केस में इस तरह के मुलव्वस होगा उस पे FIR कटेगी, क्या होगा वरना? इसलिए ये तमाशा अभी 2 बजे, वो लोग जो इस घनौने खेल का, मुल्क के खिलाफ साजिश का, लोगों की लाशों पे सियासत करने वाले का साथ देंगे, वो इस गुनाह में मुलव्वस होंगे। और ये मुझे यकीन है जो लॉन्ग मार्च का, साइफर की कहानी का, उसके बाद जेल बच से बचो तहरीक का हाल हुआ है, उसके बाद ये डेस्परेशन है, उसके बाद ये लाशों के ऊपर मुंतजर होकर उसके इंतज़ार में सियासत है, और आज फिर ये चाहता है कि मुल्क में अनारकी हो, अफरा तफरी हो, मारपीट हो, लाशें गिरें। ये क्योंकि वो साजिश जो 4 साल कामयाब होनी थी उस फॉरेन फंडिंग से, वो तो नाकाम हो गई, फिर साइफर की साजिश नाकाम हो गई, फिर लॉन्ग मार्च नाकाम हो गया। तुम एक नाकाम शख्स हो, तुम्हारी सियासत
दफन हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान में आप इस गलाजत की सियासत की कोई जगह नहीं है जो मुल्क के खिलाफ साजिश के लिए इस्तेमाल हो। देखिए, जो आपने इमरान खान साहब के केसेस के ऊपर, जो कि उनको मालूम है कि वो बुरी तरह, मैंने तमाम केसेस का नाम भी लिया और उन तमाम केसेस की आपको तफसीलात भी बताईं, जिसकी जो जो जिसका कोई जवाब इमरान खान साहब के पास नहीं है, इसलिए वो तलाशी देने के लिए तैयार नहीं है। दूसरों को चोर कहने वाला, दूसरों को मनी लॉन्डर कहने वाला, इस मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा चोर जिसने सरकारी ख़जाने को लूटा, क्योंकि उसको ATM की जेब, दूसरों की जेबों में हाथ डालने की आदत थी, तो उसने मुल्क की जेब में हाथ डाल लिया और फिर लूटना शुरू कर दिया। उसके बाद जितने केसेस हैं, मैंने उनकी तफसीलात आपको बताई हैं, जिनके तमाम केसेस इस वक्त अदालतों के अंदर हैं। और वह एक शख्स जो है जो अदालत सवाल करती है तो गाली देता है, धमकाता है, कहता है मैं छोड़ूंगा नहीं, और जेबा जज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, उसको अदालतें देती हैं इस्तस्ना। 2018 की तहकीकात के ऊपर हमारा ये SPDM भी वो था और गवर्नमेंट के अंदर भी जो तफसीलात हैं। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताती चलूं कि हम आते ही मार्च 2022 में, हमें पता था इमरान खान साहब ने ये डाके डाले हुए हैं, और हम आते ही इसको गिरफ़्तार करके सलाखों के पीछे डालते अगर हमारा मकसद सियासी इंतकाम होता, क्योंकि जो हमारे साथ इस शख्स ने किया है वो शायद ही मुल्क की तारीख में किसी फासिस्ट ने, किसी भी सियासी जमात, लेकिन ये एक गुंडा, ये एक दहशत गर्दों का, ये सियासी जमात नहीं है, ये एक साजिशों का और गुंडों का ग्रोह है। जो अभी आपने देखा नियो टीवी की DSNG वैन के ऊपर उस रिपोर्टर की आंख खुदा यहाँ इस जगह के ऊपर उसको लगी, और वो DSNG ऑपरेटर, और वो बच गया, अल्लाह ताला का शुक्र है उसकी आँख बच गई। और ये बिल्कुल इसकी डिटेल में इसकी इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए, क्योंकि ये 4 साल जिन लोगों ने इसको मुसल्लत किया, जिन लोगों ने पाकिस्तान के साथ ये बदला लिया, अपनी पर्सनल इन्वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ उसका हिसाब होना चाहिए। नहीं, मेरी बात सुने, 90 दिन मुकम्मल हो गए हैं, मुकम्मल हो गए हैं, इलेक्शन की डेट आ गई है, क्या डेट है, तो क्या तकलीफ है? नहीं, आपसे, आपने सवाल किया कि इमरान खान साहब मुतालबा करें तो आइन की खिलाफ वर्जी, मुतालबा 90 दिन से पहले वो करें क्यों? वो करें इसलिए कि मुल्क में आग लगे, मुल्क में अनारकी हो, मुल्क में फसाद हो, वरना 90 दिन अभी मुकम्मल नहीं, और 90 दिन से पहले इलेक्शन की तारीख आ गई है। ये सिर्फ साजिशी दिमाग है जो मुल्क के खिलाफ साजिश करता है, और तहरीक की कॉल वो दे जो मुजरिम ना हो, तहरीक की कॉल वो दे जिसको अदालत के कटहरा बुलाए और वो पलस्तर वाली टांग, बुजुर्गी, माजूरी लेकर कह के मैं आ नहीं सकता, और पलस्तर वाली टांग लेकर वो कह के मैं तहरीक के लिए तैयार हूँ, तो वो नहीं हो सकता। इस मुल्क में कानून है, और अगर वो होना है तो फिर पाकिस्तान के 22 करोड़ शहरियों के साथ वही सलूक होना चाहिए कि उसको अदालत बुलाए तो वो गोलियां बरसाए और कहे मैं अदालत में नहीं आता, तो फिर कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। सॉरी, आपका सवाल क्या है? पहला मेरा सवाल ये है कि आपने अभी अपने मीर शकील उर रहमान वाले, हाँ जी, वो एक पैगाम था, तो दूसरा ये मेरा सवाल है कि एक दफा 144 का नफाज क्या सिर्फ ये के लिए है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लिए? दफा 144, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, दफा 144
उस शख्स के लिए है जिसको अदालत बुला रही है, जो मुलजिम है और जो मुल्क में गोलियां बरसा के लाशों का इंतज़ार करता है, वो मुल्क में फॉरेन एजेंट है जिसका जवाब उसने देना है, वो अपनी बेटी को एक्सेप्ट नहीं करता जिसका केस अदालत में लगा हुआ है, वो फॉरेन एजेंट है, उसने तोशा खाना में डाके डाले हैं, नहीं डाले तो बता दें मेरी बीवी ने 2 कैरेट का मांगा था, 5 कैरेट का खुद ही दे दिया, कह दे। वो जो है ना अरसलान बेटा, लिंक करो गद्दारी के साथ, इस्लामिक टच दो, ये सब के जवाब नहीं है। तो ये दफ़ा 144 जो है ना, ये उस मुजरिम के लिए है, उस मुलजिम के लिए है जिसको अदालत कटहरे में बुलाती है और वो कहता है कि मैं नहीं आऊँगा, और जब बुलाती है तो अदालत के दरवाज़े तोड़ता है, अदालत के गेट तोड़ता है, उनके कैमरे तोड़ता है, कहता है ओ जेबा जज, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये उस शख्स के लिए है जो मुल्क में अनारकी फैलाना चाहता है, अफरा तफरी फैलाना चाहता है, वायलेंस इंसाइट करता है, ये उस शख्स के लिए है। अरसलान साहब कर लें फिर, मैं वो भी याद आ गया जी। जी अरसलान, मैं बताती हूँ अरसलान साहब, देखिए बात सुने, बात यह है कि जब आपको पुलिस पकड़ने आए, माओं की गोदें उजाड़ कर उन माओं बच्चों औरतों को ढाल बना कर तुम बाहर बैठ जाओ, सिर्फ इसलिए कि पुलिस रिएक्ट करे, उनके ऊपर कार्रवाई करे और मुल्क में इंतशार फैले, ये ज़िम्मेदाराना रवैया है पंजाब हुकूमत का, क्योंकि वो बच्चे मासूम, वो औरतें मासूम, वो बेटियां मासूम, जिनको ढाल बनाकर इस शख्स ने, जो अंदर बैठा हुआ है, ढाल बनाकर बैठा हुआ है ज़मानत पार्क में, ये उनका उनकी वजह से ही आज ये छुपा बैठा है उस जगह के ऊपर। देखिए ये अदलिया को सोचना पड़ेगा, ये अदलिया के लिए एक लम्हा फ़िक्र है कि जो शख्स गाली देता है, जो शख्स मुजरिम है, जो शख्स अदालत पे हमला आवर होता है, जो शख्स अदालत पे धावा बोलता है, जो जज की तौहीन करता है, आप उसको बुला रहे हैं सवाल के लिए, जवाब के लिए, वो कहता है बाहर निकलो मुझे बुला लिया अदालत ने, और आप उसको अस्तस्ना दे देते हैं, बेलों पे बेल दे देते हैं, तो फिर ये कौन पेश होगा अदालत के अंदर? नवाज शरीफ साहब किसी वक्त भी पाकिस्तान आ सकते हैं। एक सवाल कर ले, मैं इधर ही हूँ। देखें रमज़ान अभी शुरू नहीं हुआ, ऐलानात, शहबाज शरीफ वो शख्स है जिसने पंजाब को, मेरे पास वो अल्फाज भी मौजूद नहीं है कि किस तरह पंजाब के अंदर मंसूबे हों, पंजाब के लोगों की खिदमत हो, पंजाब के नौजवानों की नौकरी हो, पंजाब के नौजवानों का रोज़गार हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, सड़कें हों, एनर्जी के मंसूबे हों, और वो ऐसा शख्स है जो ये नहीं कहता कि मैं 90 दिन में करप्शन करूंगा और फिर मुल्क को लूट कर चला जाए, वो ये नहीं कहता कि मैं BRT पेशावर बनाऊंगा जो खड्डों और आग की नज़र हो जाए, वो ये नहीं कहता कि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मैं सड़कें बनाऊंगा, वो सब कुछ बनाकर देकर पंजाब को गया है। और इसलिए इस वक्त जब उनके हाथ IMF, जो इमरान खान का IMF का मुआहदा था, उससे बंधे हैं, लेकिन फिर भी मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा रमज़ान पैकेज जिसमें गरीब लोगों को आटा मुफ्त, पहले किसी ने सुना? और उस वक्त जिस वक्त इस इमरान खान के IMF के मुआहदे की वजह से आज मुल्क हमारे हाथ बंधे हों, हर रोज़ हर रात हर सेकंड वो ये सोचता है कि पाकिस्तान की आवाम को किस तरह रिलीफ दिया जाए। और फिर ये पंजाब तक महदूद नहीं है, इसी तरह दूसरे प्रोविंसेस को हदायत कर दी गई है कि वो मुफ्त आटे के ऊपर पूरी वो करें, वर्किंग करें, और पूरे पाकिस्तान में रमज़ान में मुफ्त आटा तकसीम। लास्ट क्वेश्चन, आप लोगों का साद रफीक साहब का प्रोग्राम है। जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान, आप हर मुद्दा जो है वो IMF के उस मुआवजे पे डालते हैं।
ایک تو الزام بھی بڑا نہیں لگتا، افسوس اس گل کا. پہلا آپ نے سوال کیا، دو سوال، آئی ایم ایف کا سوال کیا آپ نے. آئی ایم ایف کا پروگرام ملک کی تاریخ میں پہلا پروگرام جس کو کنکلوڈ کیا میاں نواز شریف نے، ملک کی معیشت کو استحکام پہنچا کر گئے. آئی ایم ایف کے پروگرام کو مکمل کیا، اور اس آئی ایم ایف کے پروگرام کو جس پہ نواز شریف کا دستخط ہے، نہ آٹا مہنگا، نہ چینی مہنگی، نہ بجلی مہنگی، نہ گیس مہنگی، نہ کھاد مہنگی، نہ گھی مہنگا. وہ آئی ایم ایف کے معاہدے میں آپ کو یاد ہے 5 سال 55 روپے چینی رہی تھی، 35 روپے آٹا تھا، گیس 11 روپے، بجلی 11 روپے. کوئی چیز ایسی نہیں جو اس آئی ایم ایف کے معاہدے کے نتیجے میں مہنگی ہوئی ہو. اور پھر اس کے بعد اس کو پروگرام کو مکمل کیا، پہلا ملکی پروگرام تھا جس نے آئی ایم ایف کو خدا حافظ کیا، وہ نواز شریف کے دستخط کا تھا. جو آئی ایم ایف کا پروگرام جس پہ عمران خان کی حکومت کے دستخط تھے، آٹا مہنگا، بجلی مہنگی، گیس مہنگی، میں آ رہی ہوں، گیس مہنگی، پٹرول مہنگی، وہ اس میں مختلف یہ تھا، صرف نواز شریف اور عمران خان کا فرق تھا، کیونکہ وہ مسلط ہو کر آیا تھا، وہ الیکٹ ہو کر آیا تھا، اور اس نے پاکستان کی عوام سے ووٹ لیا تھا. اور اس آئی ایم ایف کے پروگرام میں یہاں تک دیکھا نہیں گیا، اور جو سائن ہو گیا تھا، جو آئی ایم ایف کا پروگرام سائن ہو گیا، اس کی خلاف ورزی بھی عمران خان نے کی، جس کی وجہ سے پاکستان کی کریڈیبلٹی ایٹ اسٹیک ہوئی، پاکستان کا جو معاہدہ تھا وہ کانٹرو میں بتا تو رہی ہوں آپ کو، کانٹروورشل ہوا. اور اس آئی ایم ایف کا معاہدہ جو عمران خان نے دستخط کیے تھے، اسی کی خلاف ورزی کی، پاکستان اس کو سسپینڈ کیا. جب ہماری حکومت آئی تھی مارچ 2022 میں، تو عمران خان کا آئی ایم ایف کا پروگرام سسپینڈڈ تھا، اور جتنے معاہدے اس آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر ہوئے تھے، اس کی خلاف ورزی ہو چکی تھی. نہ صرف ملک کو دیوالیے سے بچایا، اس آئی ایم ایف کے پروگرام کو ری نیگوشیٹ کیا، اور اس شخص کو پتا ہے کہ اب وہ سائن ہونے والا ہے، تو آج لاہور کی کال دے دی ہے. یہ اتنا بے شرم شخص ہے. آپ لوگوں نے جانے شعیب، یہ اینٹی کرپشن کی کیس میں انہوں کو گرفتار کیے. شعیب سے جی، شعیب صاحب کے پاس اگر اپنے حق میں ثبوت ہیں کہ جو ان پہ الزامات نہیں لگے، جو اس پہ الزامات لگے ہیں ان کا جواب ہے تو دے دیں، کل باہر آ جائیں گے. ساڑھے والوں نہ ہی سمجھو.